brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. जो हदे निगाल तक फैला हुआ जन सैलाब जनाजे के लिए था, उसने इस बात को साबित कर दिया है कि मेरे पिता माफिया नहीं, रहनुमा थे। आप किसी से पता कर लीजिए, आप लोग को तो लगता है कि हम लोग तो झूठे हैं, पता कर लीजिए आप कि कोई दबाव हम लोग का नहीं है, ना कर सकते हैं, ना प्रशासन का है। इस बात से मैं बहुत अफसोस में था, मैं अकेला था आज यहाँ, सिर्फ मेरे दोनों बड़े अब्बा थे, मेरा भाई नहीं आ पाया यहाँ, मेरी माँ नहीं है यहाँ, मैं अकेले हूँ और मैं अपने पूरे घर में सबसे छोटा हूँ। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुख्तार की मौत को लेकर सियासी बयानबाजी भी जमकर हुई और साथ ही परिवार का ये भी आरोप रहा कि मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया गया है। वहीं आज मुख्तार के जनाजे के वक्त काफी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा, जिसके बाद एक तरफ जहां अफजाल अंसारी और डीएम की नोकझोंक हुई तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार का बेटा उमर अपने पिता की कब्र पर उदास नजर आया। मुख्तार को सुपुर्द खाक करने के बाद उमर ने हमसे खास बातचीत की। इस बातचीत में उसने कई बड़ी और खास बातें बताई हैं। उमर का साफ तौर पर यह आरोप रहा है कि माफिया ब्रजेश सिंह का इस पूरी घटना के पीछे हाथ है। काजीपुर में मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द खाक किया गया। परिवार ने कई बड़े आरोप लगाए और लगातार दो दिनों की कवायद के बाद में आखिरकार आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए उमर अंसारी इस वक्त मौजूद है। उमर, ये बताइए, जिस तरीके से आप लगातार इस बात को कह रहे थे, आप लोगों ने शंका जताई 18 मार्च को उनको स्लो पॉइजनिंग दी गई, आप लोगों ने उसके बाद में एम्स के डॉक्टर्स की जांच की बात कही, उसके बाद में पोस्टमार्टम को लेकर के आपने बात कही, ये दो दिन में जितने वाकई हुए और आज ने सुपुर्द खाक किया गया है, आज की तस्वीर और उस दिन 18 मार्च की जो बातचीत थी, क्या कुछ फर्क आ रहा और कैसा अनुभव है अभी तक? सब कार्रवाई भैया आपके सामने है, कुछ आपसे छुपा तो है नहीं। आप लोग के माध्यम से पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया और लेकर के बांदा मेडिकल कॉलेज दोबारा जाया गया है। मुझे तो सूचना भी नहीं दी किसी ने, ना कोई जेल ऑफिशियल ने या बांदा के जिला प्रशासन ने, ना कोई स्टेट के लेवल पर। मीडिया के माध्यम से खबर सुनी, दिल धड़क गया बिल्कुल, लखनऊ ही था, भागा तुरंत। अभी बछनावा भी नहीं पहुंचा था, मेरे ख्याल से पीजीआई क्रॉस कर रहा था तब तक ये खबर आ गई। तो क्या एक्सपीरियंस और अनुभव आप पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊं, मैं एक पुत्र हूं और एक ऐसा पुत्र जो 26 साल का है और 25 साल अपने पिता के बगैर रहा है। कहने वाले जो कहते हो कि बगैर रहे हैं तो वो अपराधी हैं, तो वो माफिया हैं, तो उनको सजा भी तो हुई है, तो वो इसलिए तो जेल में थे। आज इतनी रोक टोक, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, उसके बावजूद जो हुजूम, जो हदे निगाल तक फैला हुआ जन सैलाब जनाजे के लिए था, उसने इस बात को साबित कर दिया है कि मेरे पिता माफिया नहीं, रहनुमा थे। हुजूम की आपने बात की, आज हमने देखा भी था, हजारों की तादाद में समर्थक पहुंच रहे थे, लेकिन डीएम साहिबा और अफजाल अंसारी जो की सांसद हैं आपके, उनके बीच में एक बहस हुई थी, वो कह रही हैं कि परमिशन दी गई लेकिन आप उससे जरूरत से ज्यादा लोग को ले जा रहे थे, वो वाकया क्या था, आखिर किस तरीके से रोका जा रहा था, क्यों वो बात कही? देखिए, स्वाभाविक है कि लोग बहुत इमोशनल है। लोग तो मुझसे ये कह रहे हैं कि भैया आप नहीं यतीम हुए, हम भी यतीम होंगे, और 3600 जात के लोग यहाँ, बाजार है मोहम्मदाबाद, बहुत बड़ी बाजार है। आप किसी से पता कर लीजिए, आप लोग को तो लगता है कि हम लोग तो झूठे हैं, पता कर लीजिए आप कि कोई दबाव हम लोग का नहीं है, ना कर सकते हैं, ना प्रशासन का है। अपनी मर्जी से स्वतः लोगों ने, सब दुकानें, पूरी बाजार बंद है, 3600 जात के लोग, हर धर्म और जात के लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं। मंदिरों में प्रार्थनाएं हुई जब उनकी हार्ट अटैक की खबर सुनी गई, लोग इफ्तारी में रो रो के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। लाखों करोड़ों लोग, मैं कहूँगा इस पूरे देश में, बहुत गम में है, अफसोस में है, लोगों के घर खाना नहीं बन रहा है। मैं ऐसे घर जान रहा हूँ जो भूखे हैं, ये हमारे मसीहा को हमसे छीन लिया गया। तो स्वाभाविक है कि भीड़ है, और भीड़ को हम लोग आपके सामने
कोई बात नहीं छुपी है, मैं कल से नहीं परसों से कह रहा हूँ कि कोई मत आए। हजारों लोगों को तो मैंने मना किया है टेलीफोन करके कि मत आइए मत आइए मत आइए, दो दिन चार दिन बाद आ जाइएगा, मिट्टी ही तो देना है, दे दीजिएगा, फातिहा वहीं से पढ़ लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं आके पढ़िए। हम जान रहे थे कि ये सब होगा, फिर भी जो आप कह रहे हैं नोकझोंक की बात मेरे संज्ञान में नहीं है, मतलब मैंने अपनी आँख से देखा नहीं, कान से सुना नहीं। आप कह रहे हैं अगर, तो मुझे लगता है कि वो जिलाधिकारी हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, दोनों लोग में कुछ बातचीत हुई होगी कि आप इसको नोकझोंक और कुश्ती और मारपीट का नाम थोड़ी दिया जाना चाहिए, कुछ बात हुई, कार्रवाई करेंगे, FIR भी करेंगे, उल्लंघन किया। कौन कह रहा था? DM साहब कह रहे हैं कि अगर आप लेके जाएंगे तो हम। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, और क्यों क्या करेंगे। देखिए शव यात्रा निकली है और यहाँ से मुश्किल से हार्डली 300 मीटर है और भारी सुरक्षा बल तैनात था, उसमें क्या FIR और क्या, कोई सवाल ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं। एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट थी, आज जो रिपोर्ट की बात आ रही है सामने, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो आई बात कार्डिक अरेस्ट, उसमें रीजन दिया जाता है, आपके सवाल अभी भी वही हैं? विस्ट्रा की रिपोर्ट का आप इंतजार कर रहे हैं या मजिस्ट्रेट जांच बताई गई है, आपको एतबार है उस पर कि उसमें सच सामने आएगा जो दावा आप कर रहे हैं? भैया सही बताएं तो हम अभी तक इस बारे में एक पल भी नहीं सोच पाए। मेरे भाई, बड़े भाई अब्बास अंसारी जो मऊ से विधायक हैं, वो आ नहीं पाए, प्रशासन ने आने नहीं दिया, बल्कि मृत्यु होने पर खुद ही भेज सकता था, DM साहब भेज सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उनके पास, स्टेट चाहता प्रशासन शासन वो भेज सकते थे, नहीं भेजा हमने, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन वेकेशन होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने जिस भी चलते नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट खुली होती तो निश्चित वो आज यहाँ होते। इस बात से मैं बहुत अफसोस में था, मैं अकेला था आज यहाँ, सिर्फ मेरे दोनों बड़े अब्बा थे, मेरा भाई नहीं आ पाया यहाँ, मेरी माँ नहीं है यहाँ, मैं अकेले हूँ और मैं अपने पूरे घर में सबसे छोटा हूँ, और मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ा बोझ अचानक से पड़ गया कि मैं खुद को संभाल ले रहा हूँ और अपने आंसू को रोक ले रहा हूँ और अपने गम को बाहर नहीं आने दे रहा हूँ, अपने दिल में ही रखे हुआ हूँ और सिर्फ अल्लाह के सामने कह रहा हूँ, यही बहुत है। तो मैं सोच नहीं पाया हूँ, आज सोचेंगे, लीगल टीम से डिस्कस करेंगे, आज तकवीन हो गई है थोड़ा, हो सकता है आज नहीं तो कल, घर के गार्जियन अफजाल बाबा उनसे डिस्कस करेंगे, लीगल टीम से डिस्कस करेंगे, फैसला लेंगे कि आगे क्या करना। लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि आप लोगों ने साजिश का आरोप लगाया, अफजाल साहब ये बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और ये बात अभी नहीं, जो कॉन्वर्सेशन आपका आपके पिता के साथ हुआ था उसमें भी उन्होंने इस दर्द को बताया कि उनको लगता है कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, उनकी रूह नहीं बचेगी, ऐसी बातें उन्होंने उस ऑडियो में कही थी। तो आपको लग रहा है कि इन जिन तमाम चीज़ों के मद्देनजर क्या वाकई में वो सच सामने आ पाएगा, और जिसका दावा आप कर रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट कुछ और कह रही है और आप लोगों का दावा है, और कौन इसके पीछे है, कौन इसको साजिश? दो जगह अदालत है, एक ज़मीन की अदालत है जिस पे हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, न्यायपालिकाओं पे हमारे, हमें इंसाफ मिलेगा और बात खुलेगी और सामने आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। समय एक जैसा नहीं रहता, समय बहुत बलवान होता है। दूसरी अदालत अल्लाह की अदालत है, ऊपर वाले की अदालत है, किसी कारणवश यहाँ से नहीं भी इंसाफ मिला तो वहां से मिलेगा, वहां इंसाफ होगा। साजिश के पीछे कौन है, राजनीतिक लिंक भी है? स्पष्ट रूप से ब्रजेश सिंह, जिसने दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड माफिया डॉन ब्रजेश सिंह, जिसने गोली चलाई पापा के ऊपर और हमला किया जिसमें 9 लोग घायल हो गए, 3 लोग इंजर्ड हो गए। ए बैठने दो, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह और इन लोगों के खिलाफ पापा को गवाही देनी थी, गवाही का नंबर अब उन्हीं का था, वो वादी मुकदमा और इंजर्ड गवाह हैं, उनको खुद गोली लगी थी, वादी मुकदमा भी थे, वो गवाही दे देते तो क्या होता उस ब्रजेश सिंह के भविष्य का, जो सरकार की गोद में बैठा हुआ है, उनके खास लोगों में है, कैसे हैं आप जान ही रहे, उनकी पत्नी MLC हैं, बनारस जैसी जगह से निर्दल,
जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत नेता, सो यू नो एवरीथिंग, आप कह नहीं पाओगे, बस मेरी आपसे ये शिकायत है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये चला ही नहीं जाएगी। जो आप कह रहे हैं वो सब सुनेंगे और आपकी बात सुनने के लिए हम हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल, जो बात मैंने ब्रजेश सिंह की, त्रिभुवन सिंह की बोली है ये नहीं चलाई जाएगी, ऐसा मेरा इल्जाम है। अगर आप चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चलेगा। लेकिन एक सवाल और जाते जाते जरूर आपसे करेंगे, राजनीतिक सपोर्ट भी आपको बहुत मिला भी है, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आपके साथ खड़े हैं, असदुद्दीन साहब ने तो पीछे सरकार को ही खड़ा कर दिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो तमाम नेता हैं ये जेन्युइनली आपके साथ खड़े हैं या उसमें उनका भी कोई मतलब निकल? दो ताकतें थी जब ये देश आजाद नहीं हुआ था, एक तो कांग्रेस थी और एक अंग्रेज थे। कांग्रेस पहली पार्टी बनी ना, उससे पहले तो नहीं थी कोई पार्टी। हम लोग के खानदान में 12 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आपको पता होगा, नहीं पता तो बता दे रहा हूँ, मेरे दादा सुभानलाल अंसारी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है। जब ये देश गुलामी की जंजीरों में था तो डॉक्टर अंसारी ने, MD थे चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल लंदन इंग्लैंड में, वो छोड़ के महात्मा गांधी जी के साथ आए और 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ब्रिगेडियर उस्मान महावीर, प्रथम महावीर चक्र विजेता, मेरे परनाना हैं, पापा के नाना थे, जिन्होंने पाकिस्तान से झांगर घाटी और नौशेरा को छुड़ाने के लिए और छुड़ाकर वापस तिरंगा फहराया, और उसी जंग में टैंक के गोले से पहले इतने बड़े रैंक के ऑफिसर ब्रिगेडियर जो शहीद हुए। तो हम उस खानदान से आते हैं, वो हमारा परिवार है, लेकिन कहा क्या जाए, तकलीफ की बात तो यही है कि अमृत महोत्सव, अमृत काल कहते हैं और सारा बुलडोजर, सारी ताकत सब हमको बदनाम करने में और हमारे हमको बर्बाद करना और बदनाम करना, यही एक मकसद है। तो कहना ये था मुझे कि दो ही ताकतें थी, आपने जो समर्थन की सबकी बात की, वो सब हमारी जमात में थे, और जो दूसरे लोग थे अंग्रेज और अंग्रेज के चाटुकार, तो अंग्रेजों से हमारे पूर्वज लड़े, अंग्रेजों के चाटुकारों से हमारे पिता की जनरेशन लड़ रही थी, यही सच है। तो जो उस जमात के हैं जो अंग्रेजों के और अंग्रेजों के चाटुकारों से लड़ते रहे हैं, तो उन्होंने हमारा सपोर्ट किया है और हमारी बात को भी उठाई, और बड़े बड़े नेताओं ने उठाई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उठाई है, मैं आभार प्रकट करता हूँ, बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी ने उठाई है, और भी अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं ने, मैं ओवैसी साहब की कल दुआ सुन रहा था, सोशल मीडिया पे वायरल है, न्यूज़ खोला तो आ गया सामने, तो वो देख लिया। चंद्रशेखर रावण भाई हैं, मैं मिला हूँ उनसे, इत्तेफाक से उनको गोली लगी तो मैं एक केस में वांछित था, मैं नहीं जा पाया उनसे मिलने, उन्होंने भी बात उठाई। पप्पू यादव जी ने, तेजस्वी यादव जी ने, बिहार के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने इतनी नौकरियां दी, लोगों को सबका आभार है, सबके लिए मैं बहुत छोटा हूँ और सबको प्रणाम कह सकता हूँ, और ये कहूँगा कि हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म हुआ है, और ये मेरे पिता की स्वाभाविक मौत नहीं है, ये संयोजित हत्या है। तो मैं पुनः अपील भी करूँगा, जिसका जिसका अभी मैंने नाम लिया है, सब लोगों का, कि आप लोग इसमें हमारी सहायता करिए। 19 मार्च का सच सामने आएगा, मैंने कहा ना, दो अदालतें हैं, एक यहाँ जिस पे पूर्ण विश्वास है, और उससे भी ज्यादा विश्वास ऊपर वाले की अदालत में है, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है मौत। जब पैदा हुआ है आदमी तो मरेगा, और मरेगा तो कोई भी धर्म का मानने वाला, इस्लाम, सनातन, सिख, क्रिश्चियन, सबके धर्म में अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मनुष्य खराब हो सकता है, कोई पर्सनल व्यक्ति खराब हो सकता है, कोई धर्म खराब नहीं होता, धर्म अच्छी चीज़ सिखाता है। सब धर्म में कहा गया है ना कि जो कर्म करोगे तो अगला जन्म वैसा मिलेगा, आपके हिंदू धर्म में भी कहा गया है, मेरे इस्लाम में भी कहा गया है कि इस दुनिया के बाद आखिरत की ज़िंदगी है। तो कहा ना कि यहाँ नहीं तो अल्लाह की अदालत में इंसाफ मिलेगा, इंसाफ तो मिलेगा। 19 मार्च का सच यहाँ खुलेगा या आखिरत में खुलेगा, खुलेगा, और आप देखेंगे कि फतेहयाब मुख्तार अंसारी होंगे।
गाजीपुर से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।